चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चार फोन का चार्जिंग कंपैरिजन लेकर आ गया हूँ 0% से 100% तक। Realme 7 Pro, Vivo Y51, Vivo V20 Pro, Vivo V20। सबसे पहले चारों फोन का स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। Realme 7 Pro में 4500 mAh का बैटरी मिलता है और 65W का चार्जिंग एडाप्टर भी दिया है। यहाँ पे दोस्तों Vivo Y51 है और यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे 18W का चार्जर दिया है और Vivo V20 Pro में दोस्तों 4000 mAh का बैटरी है और 33W का यहाँ पे चार्जर देखने को मिलता है। Vivo V20 में दोस्तों यहाँ पे भी 4000 mAh का बैटरी है और यहाँ पे भी दोस्तों 33W का चार्जर देखने को मिलता है और चारों ही फोन में दोस्तों 0% चार्ज है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। चलिए दोस्तों चार्जर के साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी दोस्तों स्विच को मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पे स्टॉप वॉच को भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। दोस्तों सारे ही फोन में 0% चार्ज है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब सारे ही फोन में 2% चार्ज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे दोस्तों स्विच ऑन कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग दोस्तों स्विच ऑन करके दोस्तों फोन को चार्ज में लगाता है, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन करके चार्ज करेंगे। तो चलिए दोस्तों और 5 मिनट के बाद मिलते हैं और देखते हैं कितना परसेंट चार्ज होता है। दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं तो दोस्तों Realme 7 Pro में दोस्तों 19% चार्ज है। ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे 20% हो चुका है। ऑब्वियसली 65W का चार्जर है इसीलिए दोस्तों जल्दी जल्दी चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे Vivo Y51 में 5% है, Vivo V20 Pro में दोस्तों 10% है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों Vivo V20 में 7% चार्ज हुआ है। अभी चलिए दोस्तों 15 मिनट के बाद मिलते हैं और देखते हैं कितना परसेंट चार्ज होता है इस चारों फोन में। 15 मिनट हो चुका है। Realme 7 Pro में दोस्तों 50% यहां पे 51% चार्ज हो चुका है और Vivo Y51 में दोस्तों 17% चार्ज है। यहां पे दोस्तों देख लीजिए Vivo V20 Pro में 36% और Vivo V20 में दोस्तों 32% चार्ज है। ऐसा कुछ है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि Realme 7 Pro 30 मिनट के अंदर दोस्तों फुल चार्ज हो जाएगा। अभी देखना यह है कि फुल चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है। चलिए दोस्तों अभी 30 मिनट के बाद देखते हैं कि कितना परसेंट चार्ज होता है चारों ही फोन में। तो चलिए देखते हैं। 30 मिनट हो चुका है। अगर चार्जिंग के पास देखोगे Realme 7 Pro में दोस्तों 87% चार्ज है, अभी 88 हो चुका है। और Vivo Y51 में दोस्तों 35% चार्ज है, यहाँ पे दोस्तों Vivo V20 Pro में दोस्तों 65% चार्ज है और Vivo V20 में दोस्तों 65% चार्ज है। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि यहाँ पे 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम लेता है, उसके बाद दोस्तों ये सारे फोन 100% चार्ज होगा। तो चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि 40 मिनट के अंदर दोस्तों 100% चार्ज हो जाएगा। अभी चलिए दोस्तों देखते हैं 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगाता है Realme 7 Pro। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 100% चार्ज हो चुका है Realme 7 Pro में। दोस्तों 95 से 100% चार्ज होने के लिए दोस्तों लगभग यहाँ पे लगा है 13 मिनट के आसपास। दोस्तों 5% चार्ज होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए Vivo Y51 में 53% चार्ज, यहाँ पे Vivo V20 Pro में दोस्तों 94% और Vivo V20 में 94% चार्ज है। तो इसको दोस्तों अभी मैं पलट देता हूँ, यहाँ पे फुल चार्ज हो चुका है। अभी देखते हैं दोस्तों इस फोन में या ए फोन में, दो फोन में फुल चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है। और यहाँ पे दोस्तों Vivo Y51 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे 18W का चार्जर दिया है। अभी दोस्तों यहाँ पे Vivo V20 Pro में दोस्तों 100% यहाँ पे चार्ज हो चुका है लगभग दोस्तों एक घंटे के दोस्तों 1 मिनट कम है, तो एक घंटे के अंदर दोस्तों यहाँ पे फुल चार्ज हो चुका है Vivo V20 Pro में। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, Vivo V20 से Vivo V20 Pro में थोड़ा जल्दी चार्ज हुआ है। वहाँ पे भी 99% चार्ज है, अभी दोस्तों वहाँ पे भी 100% चार्ज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको मैं काट कर देता हूँ, यहाँ पे 100% चार्ज हो चुका है और इसको दोस्तों मैं यहाँ पे पलट दूंगा और यहाँ पे देख लीजिए Vivo 5G लिखा है। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं यहाँ पे 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है, यहाँ पे लगभग 1 घंटा होता जा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फाइनली दोस्तों Vivo V20 में 100% चार्ज हुआ है। दोस्तों 99 से 100% चार्ज होने के लिए यहाँ पे
12 मिनट लिया है, 1% चार्ज के लिए 12 मिनट लिया है दोस्तों, तो वीवो V20 ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी चलिए दोस्तों इसको मैं काट कर देता हूँ और इसको भी मैं दोस्तों पलट देता हूँ। और अभी दोस्तों यहाँ पे वीवो Y51 में देखिए 70% चार्ज है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे फुल चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है, या दोस्तों हम लोग 1 घंटा 30 मिनट होने के बाद दोस्तों हम लोग मेजर करेंगे और देखेंगे कितना परसेंट चार्ज होता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों 1 आवर 30 मिनट हो चुका है और यहाँ पे 90% चार्ज है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं 100% चार्ज होने के लिए यहाँ पे कितना टाइम लगाता है और 10% चार्ज बाकी है, तो चलिए देखते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पे वीवो Y51 में 100% चार्ज हो चुका है दोस्तों। मैं 1.5 घंटे के बाद मैं आप लोगों को दिखाया था 90% चार्ज है और 10% चार्ज, मतलब दोस्तों 90% से 100% चार्ज होने के लिए टाइम लगा है यहाँ पे 41 मिनट 10% चार्ज होने के लिए। तो दोस्तों इसका माइनस पॉइंट मुझे यही लगा है। और सारे फ़ोन में दोस्तों 100% चार्ज हो चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं Realme 7 Pro में दोस्तों फुल चार्ज होने के लिए टाइम लगा है 50 मिनट, उसके बाद दोस्तों Vivo Y51 में टाइम लगा है 2 आवर्स 11 मिनट, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे Vivo V20 Pro में लगा है 1 घंटा लगा है फुल चार्ज होने के लिए, और यहाँ पे 1 घंटा 10 मिनट लगा है Vivo V20 में फुल चार्ज होने के लिए। और ये था दोस्तों इसका चार्जिंग टेस्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। हम लोग क्वालिटी वीडियो रखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।